हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो आज देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज क्या स्पेशल लेकर आया है, आइए देखते हैं। हरियाणा में पारिवारिक संबंधों को लेकर एक बेहद अजीब मामला सामने आया है। पति और पत्नी के बीच सुहाग रात के दौरान हुई बात तलाक तक पहुंच गई, जिस पर कोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज करके पति के पक्ष में अपना तर्क रखा। सोमवार को पंजाब हरियाणा कोर्ट ने तलाक के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सुहागरात पर ही पति से ये कहना कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ, किसी क्रूरता से कम नहीं है। हाई कोर्ट ने पति और पत्नी के पक्षों को ध्यान से सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि क्रूरता का कोई पैमाना नहीं है जिससे ये आंका जा सके। क्रूरता को लेकर परिस्थितियां देखी जाती हैं। जज ने कहा कि पत्नी द्वारा दायर याचिका से पति व परिजनों को काफी कुछ झेलना पड़ा था। मिली जानकारी के अनुसार साल 2008 में दोनों की शादी हुई थी। शादी के अगले दिन ही पत्नी ने पति कहा कि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूं। इसके बाद वे एक महीने बाद ही अपने मां के चली गई। इस एक महीने के दौरान पत्नी ने पति व उसकी मां के साथ बदसलूकी भी की। इसके बाद पति ने रेवाड़ी कोर्ट में तलाक को लेकर याचिका दायर की और फैसला उसके पक्ष में आया। इसके बाद पत्नी ने रेवाड़ी कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पंजाब हरियाणा कोर्ट में तलाक के खिलाफ याचिका दायर की, जहां कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।